नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं तो हम आपको बता दें बिहार के सभी जिलों में एक नई भर्ती चल रही है जो कि आपको शायद ही पता होगा। जी दोस्तों, अगर आप भी मैट्रिक इंटर पास है तो आपको बता दें बहुत ही बढ़िया भर्ती आपके लिए होने वाली है, जो की सैलरी की बात करो तो 14,700 रुपए इसका सैलरी होने वाला है पर मंथ। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कौन सी भर्ती आई है, कब तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। कि आपके जिले में भर्ती आई हो तो आप झट से आवेदन कर ले, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द ले ली जा रहा है जो कि ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया होने वाला है। तो भर्ती के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। हमने लिंक दिया है, जिस लिंक पर क्लिक करेंगे इस वाले वेबसाइट पर चलेंगे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार के वेबसाइट पे, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो भी बनाया है, जो कि अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि टोला सेवक भर्ती के रिगार्डिंग हम इसी वेबसाइट के आधार पर हम आपको बताते हैं अपने जिला का कैसे चेक करना है। तो ये भर्ती टोला सेवक के बारे में नहीं है बल्कि दूसरी भर्ती होने वाली है, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिस उस पर क्लिक करेंगे इस वाले पोर्टल पर चलेंगे। अब यहाँ पाएंगे तो बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जिले के यहाँ पे नाम दिया गया और उसका फेमस जो भी पैलेस यानी जगह है उसका फोटो भी चिपका हुआ है। तो आप अपने जिला का चेक करिएगा, हम चलिए एक जिले का बता देते हैं ताकि अगर आप बारी बारी से सभी जिले का बताएंगे तो लगभग वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने जिले का इसी तरह चेक करेंगे जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। चलिए हम यहाँ पाएंगे तो भागलपुर का ऑप्शन देख लीजिए, इस पे आपको क्लिक कर दे। हम भागलपुर जिले का बताते हैं, अगर आप भागलपुर से हैं तो आप चेक कर लीजिएगा, हम आपको लाइव चेक करके देख रहे हैं, आप अपने जिले का चेक करिए। अब यहाँ पाएंगे तो आपको भागलपुर के एनआईसी पोर्टल पर चलेंगे, जहाँ पे आपको नोटिस का ऑप्शन देख लाएंगे और रिक्वायरमेंट का ऑप्शन देख लाएंगे। अब जैसे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन में आएंगे तो देख सकते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया गया है, 3 जनवरी 2024 को स्टार्टेड हुआ और 15 जनवरी 2024 तक इसका एंड डेट हो जाएगा नोटिफिकेशन का। तो इस पे आपको क्लिक कर देना। अब चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, ऐसे नोटिफिकेशन आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएगा जहाँ पे बताएगा संग्रहालय भागलपुर जिला प्रोग्राम शाखा सूचना संख्या इतना दिया गया है, अनुलग्न कक्ष दिया गया है। अब बात किया गया इस रिगार्डिंग किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होगी, तो सबसे पहले बात करें तो महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना दिनांक 9/8/2023 के आलोक में संग्रहालय भागलपुर जिला मुख्यालय जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर भागलपुर में प्रारंभ होने वाले पालन घर हेतु नामांकित पदों पर स्वीकृति योगदान एवं संविदा के आधार पर पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति हेतु विहित योग्यताधारी उम्मीदवारों महिलाओं विहित प्रपत्र का आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों इस पे हमने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था जो कि आप सबको शायद ही याद होगा, नहीं याद होगा तो हम आपको बता दें, जो भी यानी कि सभी जिले में लगभग आप समझिएगा हम बताने की कोशिश करें, सभी जिले में जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर भागलपुर में प्रारंभ होने वाले पालन घर यानी कि सभी जिले में पालन घर एक हो रहा है, चालू हो रहा है, उसी में यानी कि महिला उम्मीदवारों के, इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते दोस्तों, इसमें केवल महिला ही आवेदन करेंगी, जो कि इसमें बताएगा किस लिए, अब आपको समझना है किस लिए, मतलब महिला आवेदन करो किस लिए भर्ती होने वाला है, इसमें क्या काम होने वाला है, यानी सभी जिले में पालन घर लगने वाला है उसी में काम आपको करना है, जो कि संविदा पे भर्ती होगी, ये परमानेंट और सरकारी जॉब वगैरह नहीं है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वीडियो आपको छोड़कर मत जाना है, आपको अब दोस्तों आप वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा क्योंकि और भी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर ले पद का नाम दिया गया क्रेच वर्कर महिला हेतु आरक्षित है, ठीक है, जो भी सीट है इसमें केवल महिलाओं के लिए है, इसमें पुरुष आवेदन नहीं करें, जो कि क्रेच वर्कर का जो पद रहने वाला एक ही पद रहेगा और क्रेच वर्कर सहायक क्रेच वर्कर का है जो कि एक ही पद रहेगा। और उम्र सीमा की बात करते अधिकतम 40 वर्ष और अधिकतम इसमें भी 40 वर्ष यानी दोनों सेम रखा गया। सीमित मानसिक परिश्रम की बात करें तो आपको क्रेच वर्कर के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो 14,700 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा, वहीं पे सहायक क्रेच वर्कर के लिए 11,640 रुपये पर मंथ आपका सैलरी मिलेगा। वहीं पे बात करते सेंचुरी को एकदम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए क्रेच वर्कर महिला के लिए, और इसमें बताया कि सहायक क्रेच वर्कर के लिए बारहवीं पास होना चाहिए, इसमें बताया इंटरमीडिएट यानी कि बारहवीं पास होना चाहिए। अनुभव की बात करते क्रेच वर्कर के लिए अगर आप अप्लाई करें तो बच्चे के साथ किसी भी संस्था स्कूल आंगनबाड़ी प्ले स्कूल आदि संबंधित कार्य का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी सबसे बहुत बड़ी बात यह कि अनुभव इसमें मांग रहा है, यानी कि अगर आप छोटे बच्चे के साथ घुल मिलकर रहना पसंद करती हैं, यानी उनको जो भी मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है तो उसको झट से ना चुप करा सकते हैं, यानी कि आप 100 बात की एक बात बोले तो आपके अगर आंगनबाड़ी वगैरह में काम की है या कोई और भी काम की होगी तो आप सबको पता ही होगा, 3 साल का अगर आपके पास किसी भी अनुभव है तो आप इसमें आवेदन करिएगा। बच्चे को देख रहे संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो बच्चे के साथ रह रहे होंगे 2-3 साल का एक्सपीरियंस उनको ये प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ से देख सकते हैं
सचिवता के सूचना मोबाइल व्हाट्सएप सूचना पोर्ट पर दी जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आप इसमें आवेदन करेंगे तो जो भी आपके इसको लगे रिगार्डिंग सूचना है आपके व्हाट्सएप पर या मोबाइल नंबर या सूचना पोर्ट पर चिपका दिया जाएगा। उक्त पद संविदा के आधारित होगा, जो भी पद है संविदा के आधार पर, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जो पूर्णतः अस्थायी होगा और स्वीकृति मानदंड के अतिरिक्त कोई भी अन्य राशि दे नहीं होगा। अधिकतम उम्र सीमा की गणना 31 दिसंबर 2023 तक की जाएगी, ठीक है। जो भी आपका मैक्सिमम आपका एज लिमिट कितना इस तारीख तक हो रहा है यानी 31 दिसंबर 2023 तक, उसी के आधार पर की जाएगी। और संविदा के आधार पर चयन अधिकतम 1 वर्ष के लिए ही होगा। यानी जो भी भर्ती होगी 1 वर्ष के लिए ही दोस्तों होगी, चयन जो भी होगी 1 वर्ष के लिए होगी, तथा 1 वर्ष के अवधि में प्रथम 3 माह परिसायमन अवधि होगी और इस अवधि में किए गए कार्य के मूल्यांकन के समीक्षा उपरांत संविदा अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा। ये भी जानकारी निकल कर ये कोई गवर्नमेंट वगैरह जॉब नहीं है, तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा। कार्यरत कर्मी के द्वारा कार्य में दायित्व के निर्वाह त्रुटि पाए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकरण द्वारा कर्मी को सेवा अनुबंध अवधि के दौरान भी समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये भी जानकारी है आपको। अब इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया अब तक आप करेंगे तो बात की, अगर उपयुक्त पद पर चयन है तो आवेदन की जो बायोडाटा होगा, फोटोग्राफी, योग्यता का और अनुभव प्रमाण पत्र की स्वयं अभी प्रमाण पत्र छाया पत्र आपको 15 जनवरी 2024 तक अपराह्न 5 बजे तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी ICDS संग्रहालय भागलपुर कार्यालय में आपको हाथों हाथ स्वीकार किया जाएगा। इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं बल्कि आपको हाथों हाथ देना है। विलंब से अगर आप जाते हैं यानी कि 16 तारीख को अगर जाते हैं तो इसमें कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। आप उस 15 तारीख से पहले आपको जमा कर देना। किसी भी समय इस सूचना को रद्द करने का अधिकार चयन समिति सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। हो सकता है कि आपका जो भी आवेदन प्रक्रिया उसे रद्द कर दिया जाए, चाहे भर्ती भी रद्द कर दिया जाए, इसको लेकर विभागीय अधिकार है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। चयनित अभ्यर्थी उम्मीदवार के योगदान के समय चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि अगर आप इसमें सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको दिखलाना पड़ेगा। ये जानकारी होगा आपको इस तरीके से, इसमें भी वही जानकारी दिएगा, सेम जानकारी दिएगा जो कि देख सकते हैं, आपको यह बताने की जरूरत नहीं है। जो कि अधिकतम उम्र सीमा गणना 31 दिसंबर तक की जाए, जो कि आपको ही हम पहले ही बता दिए। ये रहा आपका फॉर्म, आवेदन पर फॉर्म होगा जो कि आपको भर देना, आवेदक का नाम, अभ्यर्थी का पूरा नाम, पिता पति के नाम, प्रचार का पता, स्थायी पता, आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव है तो आपको इसमें भी लिख देना है, उम्र आपको इसमें लिख देना है, आपका नाम, घोषणा पत्र आपको करते सिग्नेचर वगैरह करके आपको जमा कर देना है। ये सारा चीज रह गया। और बात करें सरकार द्वारा योजना बंद किए जाने अथवा महिला बाल विकास निगम जिला प्रशासन द्वारा पालनगंज संचालन बंद किए जाने पर चयनित पद पर कार्यरत कर्मी को सेवा समाप्त तो यान मानी जाएगी तथा कोई भी वित्तीय बोझ वहन नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि चल रहा है, जब तक चल रहा है, जब पालनगंज जब तक चल रहा है, मान लीजिए किसी कारणवश अगर बंद हो जाता है तो आपकी भी मतलब जो भी जॉब है, आप सोचेंगे कि हमको तो 1 साल के लिए लिया गया था तो क्यों बीच में छोड़ा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि प्राइवेट है एक है तो आप उसी समय आपको भी निकाला जा सकता है। इसमें बताया गया चयनित पद पर कार्यरत कर्मी को सेवा समाप्त मानी जाएगी, ये भी सारा चीज जानकारी रखिएगा। तो इसी तरह आप देख लीजिएगा बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पे भर्ती निकाली हुई थी, पहले भी हम आपको बताए थे, जो कि यहाँ से देख सकते हैं मोतिहारी में भी ये भर्ती निकाली गई थी, जो कि इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर तक ही रखा गया। तो अगर आप मोतिहारी से थे तो आवेदन जरूर किए होंगे, तो आप अपने जिले के एक बार चेक कर लीजिए, जो कि हम भागलपुर का अभी अभी देखे तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दी है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।